नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 इसका प्रश्न 3 है। मान निकालिए, उसका प्रश्न भाग प्रथम भाग हम कर रहे हैं। साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर 27 डिग्री प्लस बटा कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 73 डिग्री। तो इसे बच्चों हल करने के लिए सबसे पहले देखिए, साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वेयर, बच्चों 27 को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 माइनस करने पर 27 आता है, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री, पहले वाले को ऐसे ही रखा है, प्लस कॉस स्क्वेयर 73 को मैं लिख रहा हूं 90 माइनस 17, क्योंकि 90 में से 17 डिग्री माइनस करने पर 73 डिग्री आएगा, ठीक है बच्चों। तो 17 को ऐसे ही लिखा, इसको लिखा कॉस 73 को कॉस स्क्वेयर 90 माइनस 70। अब बच्चों आप याद रखना कि साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा के बराबर। बच्चों ये हमने 8.3 में करना था, वो आप इस बार आपके सिलेबस में है नहीं तो हमने इसको किया नहीं, लेकिन इसको आप याद रख लेना। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो पहली रकम ऐसे ही रहेगी, साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस यह है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा होगा कॉस स्क्वेयर थीटा, थीटा है 63 डिग्री, बटा कॉस स्क्वेयर 17 डिग्री, इसको ऐसे ही रखेंगे बच्चों, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा के, तो कॉस 90 माइनस 17 बराबर होगा साइन 17, तो कॉस का स्क्वेयर होगा साइन का स्क्वेयर 90 माइनस 17 यानी 17 साइन की, यानी कि कॉस 90 माइनस 17 साइन 17 के बराबर है, और इसका स्क्वेयर तो इसका भी स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। अब देखो ये बन गया साइन स्क्वेयर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वेयर 63 डिग्री, यानी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये होता है 1 के बराबर। कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, जहां पे थीटा 17 डिग्री के बराबर है, कॉस स्क्वेयर 17 प्लस साइन स्क्वेयर 17 ये भी होगा 1 के बराबर। बच्चों 1 कैसे आया, क्योंकि हमने सर्व समीका में पढ़ा है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए बराबर 1 होता है, तो एक को एक से भाग करने पर उत्तर आया 1, तो यही जो है 1 ये इसका उत्तर है। तो बच्चों ये प्रश्न यहाँ पर हमारा हल हो गया, साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 बटा कॉस स्क्वेयर 17 प्लस कॉस स्क्वेयर 73। सबसे पहले हमने क्या किया, पहली रकमों को ऐसे ही रखा है इसकी और इसकी, दूसरी रकम को हमने तोड़ा। तोड़ा कैसे बच्चों, ध्यान से समझना, 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 माइनस करने पर आता है 27। 73 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17, क्योंकि 90 माइनस 17 माइनस करने पर आता है 73। हो क्या गया हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा जो कि होता है कॉस थीटा के बराबर, तो साइन स्क्वेयर 90 माइनस 63 हो गया कॉस स्क्वेयर 63। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो कॉस स्क्वेयर 90 माइनस 17 बराबर होगा साइन स्क्वेयर 17 के बराबर। इसी हिसाब से ये हो गया साइन स्क्वेयर 63 प्लस कॉस स्क्वेयर 63, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये होता है 1 के बराबर। नीचे है कॉस स्क्वेयर 17 प्लस साइन स्क्वेयर 17 डिग्री, यानी कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वो भी होता है 1 के बराबर, 1 को 1 से भाग करने पर आ गया 1। तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। इस प्रकार से हम अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप अन्य प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।